नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल GS Vlog उड़ान में। और जैसे कि मैंने अपने पिछले दरबार साहब के पार्ट 3 एपिसोड में आप सभी से प्रॉमिस किया था कि दरबार साहब के घंटाघर गेट यानी मुख्य प्रवेश द्वार के इतिहास के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, तो लीजिए अपने वादे के मुताबिक पेश है यह नया व्लॉग इसी विषय पर। तो सबसे पहले इस विषय के बारे में थोड़ा सा इतिहास मैं आप लोगों को बता दूं। सन 1848-49 यानी 1848 और 49 के बीच में जब ब्रिटिश और सिखों के बीच द्वितीय एंग्लो सिख वॉर हुआ, तो इसमें जीत ईस्ट इंडिया कंपनी की हुई और पंजाब पर ब्रिटिश सरकार का कब्जा हो गया। तो पंजाब ही ऐसा प्रांत था जो कि भारत का सबसे अंत में ब्रिटिश सरकार के अधीन होने वाला सूबा था। यूं तो दरबार साहब पर सदियों से पश्चिम हमलावरों की नजर थी, क्योंकि यह सिखों का मुख्य तीर्थ स्थल था और सिख कौम काफी ताकतवर थी, जो कि ब्रिटिश सरकार को भी यह मालूम था। दरबार साहब पर अपनी पैनी नजर रखने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक गहरी चाल सोची। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब यानी अमृतसर में अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। शहर का विस्तार करने हेतु उस समय के अमृतसर के म्यूनिसिपल के चीफ इंजीनियर जॉन गॉर्डन को शहरी विकास का जुम्मा दिया गया। उसने एक क्लॉक टावर का निर्माण का प्लान बनाया, जिसे उस समय हॉल गेट के पास लगाना था, पर ब्रिटिश सरकार यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी कूटनीति के तहत इसे दरबार साहब के पास निर्माण करने की सोची, क्योंकि इस क्लॉक टावर के जरिए वो दरबार साहब की गतिविधियों पर नजर रखना चाहती थी। अब पूरी अमृतसर नगरी पर भी अपनी पैनी नजर रखने की सोच रही थी। सो जॉन गॉर्डन ने एक क्लॉक टावर का डिजाइन तैयार किया, जो कि गॉथिक यानी उस समय के वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में पेंटिंग और आर्किटेक्चर का जो प्रचलन था, उसके मुताबिक ये डिजाइन तैयार किया और एक कैथेड्रल यानी चर्च नुमा स्ट्रक्चर का डिजाइन तैयार हुआ। इस क्लॉक टावर को दरबार साहब के समीप स्थापित करना था, सो एक ऊंची जगह का चयन किया गया और वहां पर काफी तोड़फोड़ की गई और एक पैलेस था जहां उसे तोड़कर उस जगह को खाली कराया गया। इसका निर्माण सन 1862 यानी 1862 में शुरू हुआ और लगभग 12 साल का लंबे समय लेते हुए इसे 1874 यानी 1874 में पूरा किया गया। इसमें लाल पत्थरों का इस्तेमाल हुआ और उस समय के हिसाब से इसकी लागत लगभग 50,000 रुपए की थी। इस क्लॉक टावर की ऊंचाई लगभग 145 फुट ऊंची थी और ऊपर एक प्रकाशित यानी एल्यूमिनेटेड डायल की बड़ी घड़ी लगाई गई थी, जो कि दूर से भी दिखाई देती थी। शुरू में लगा कि ब्रिटिश सरकार एक चर्च का निर्माण कर रही है, पर फोटोग्राफिक एविडेंस जो हम अभी देख सकते हैं, हम देखते हैं कि टावर के चोटी पर सिर्फ एक वेदर वेन है, जो कि हवा की गति और रुख को मापने के लिए है, न कि कोई क्रॉस जो कि आमतौर पर एक चर्च पर देखा जाता है। और टावर के बेसमेंट में जो जगह थी वह सिर्फ 20x20 यानी 400 स्क्वायर फुट की जगह थी, जो कि एक चर्च की सेवा प्राप्त नहीं होती है। इस निर्माण पर सिखों का भरपूर विरोध हुआ, पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और कंस्ट्रक्शन काम पूरे जोर शोर से चलता रहा। तो हम कह सकते हैं कि यह एक क्लॉक टावर ही था, ना कि कोई चर्च, जिसका उपयोग कंपनी ने विजिलेंस यानी वॉच टावर के तहत इसे बनाया था। यह टावर सिखों की आंखों का नासूर था, जो लगभग 70 सालों तक उनकी आंखों में चुभता रहा, पर देश के आजाद होने पर ही इसे तोड़ दिया गया। और वर्तमान में जो आप इसका स्वरूप देख रहे हैं, वो दरबार साहब के चार प्रवेश द्वारों में से मुख्य द्वार है और उस पर भी चारों कोनों में बड़ी घड़ी लगाई गई है, स्थापना की गई है, ताकि हमें उस क्लॉक टावर की याद के बारे दिलाता रहे। तो दोस्तों, ये था आज का कंटेंट, जो सिर्फ मैंने आप लोगों के लिए ही बनाया। तो अगर आप लोगों को अगर ये कंटेंट पसंद आया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आगे भी मैं आप लोगों के इसी तरह के कंटेंट्स लाता रहूंगा और आप लोग मेरे ऊपर अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखेंगे। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में एक नए कंटेंट के साथ में। तब तक आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद।